लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। तो अखिलेश यादव लगातार संभल हिंसा पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि संभल में हिंसा शुरू हुई जय श्री राम के नारे की वजह से। संभल हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो और पोस्ट वायरल हुए। इनमें एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जब सर्वे टीम जामा मस्जिद की ओर जा रही थी, तब लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके चलते दंगा भड़क गया। खुद सपा सुप्रीमो ने भी यही दावा किया। अब इन दावों के बीच एक और वीडियो सामने आया है, घटना वाले दिन यानी 24 नवंबर का, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन जामा मस्जिद में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा इंतजाम है, मौके पर डीएम और एसपी हैं। ये वीडियो सुबह 7:30 बजे के करीब का है, जब सर्वे के लिए ये टीम पहुंची थी। इस दौरान कहीं कोई नारेबाजी नहीं है। बताया जा रहा है कि सर्वे करीब 2.5 घंटे तक चला और इसी दौरान वहां उग्र भीड़ पहुंचती है। जामा मस्जिद के बाहर पथराव शुरू हो जाता है, माहौल बिगड़ जाता है। वही जो नारेबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है, दरअसल वो सर्वे खत्म होने के बाद का है, क्योंकि उस वक्त जब ये टीम निकली थी सर्वे के बाद और जब हिंसा के बीच में सुरक्षा के घेरे में इस टीम को पुलिस ले जा रही थी, उस दौरान खुद हमारे सहयोगी ग्राउंड पर थे। देखिए जरा उस वक्त का ये मंजर। संभल की जामा मस्जिद में कार्यवाही के बाद, सर्वे की कार्यवाही के बाद अब जो हालात हैं बेहद तनावपूर्ण है संभल में। एक तरफ बवालियों के जो है कहीं ना कहीं बवाल जो पूरी तरह से जारी है, पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है विष्णु शंकर जैन जो उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ से निकाल करके। तो आप देख सकते हैं, देखिए क्या नारेबाजी की जा रही है। ये हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू पक्ष के लोग हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त जो है कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे हैं। पूरी तरह से जो हालात है इस वक्त संभल में वो कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो अधिकारियों के सामने भी एक बड़ी चुनौती है यहाँ से, तो अभियंता विष्णु शंकर जैन और जो तमाम टीम है उसको ले जाना वो एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारेबाजी बताती है कि इतना जो आक्रोश है, तो वहीं लोग जो है इस पूरे सर्वे को लेकर के कहीं ना कहीं वो जो है खुश नजर आ रहे हैं। वह इस वीडियो के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने भी नारेबाजी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उनके मुताबिक सुनिए कब और कैसे नारेबाजी शुरू हुई। बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी, ओवैसी जी, वहां के जो कंसर्न एमपी हैं, समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल, ज्ञान व्यापी के मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी एम यासीन, इन सारे लोगों ने मिलकर दुष्प्रचार किया है। और दुष्प्रचार ये किया गया कि जब मैं वहां पे सर्वे करने गया तो जय श्री राम के नारे लगाते गया और भीड़ के साथ गया, जिसकी वजह से दंगा हो गया, जो कि सरासर गलत है। मैं वहां पे जो सर्वे करने गया था, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कंसर्न्ड एसपी, सर्किल ऑफिसर, एसडीएम, वहां के कमेटी के जो मस्जिद कमेटी के वकील हैं जफर अली, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, इन सारे लोगों के, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील, इन सारे लोगों के साथ हम लोग एक साथ गए थे कोतवाली पुलिस स्टेशन से। वो एरिया जब कॉर्डन ऑफ हो गया था वहां से गए थे। उसका वीडियो भी प्रशासन के पास मौजूद है, एडवोकेट कमिश्नर के पास मौजूद है। तो नारे लगाने का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि मैं सुबह 7:30 बजे एक दूसरी जगह से गया था। जब सर्वे खत्म हो गया तो 11 बजे जब मैं इस तथाकथित डिस्प्यूटेड एरिया से निकला, तो एक ऐसा इलाका था जहां पे हिंदू आबादी थी, क्योंकि चारों तरफ पत्थर चल रहे थे, आगजनी हो रही थी, तो वहां से प्रशासन ने निकाला और वहां पे स्थानीय लोगों ने मुझे देख के जय श्री राम के नारे लगाए। मैंने तो नारे लगाए भी नहीं। आपको बता दें कि संभल हिंसा के उपद्रवियों की तस्वीरें जारी कर जहां एक और प्रशासन पुलिस धरपकड़ में जुटी है, वहीं इस हिंसा में हुए नुकसान की रिकवरी भी इनसे की जा रही है, जिस पर अम्बेडकर नगर पहुंचे अखिलेश यादव भड़क जाते हैं। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसे पीड़ितों को ही प्रताड़ित करने वाला बताते हैं। वहीं पुलिस इस हिंसा के बीच एक्शन के साथ बड़े दावे भी करती है, कई सीसीटीवी फुटेज भी जारी करती है, जिसमें फुटेज में एक नकाबपोश शख्स भीड़ में गोली चलाता दिखाई देता है। वहीं दूसरे सीसीटीवी में कई नकाबपोश लोग पत्थरबाजी करते दिखाई देते हैं, सीसीटीवी को तोड़ते दिखाई देते हैं। वहीं अब महिला पत्थरबाजों का भी वीडियो सामने आया है। अब सवाल बड़ा है कि क्या वाकई में जय श्री राम के नारे के साथ ही बवाल नहीं शुरू हुआ? क्या ये वाकई में भ्रामक था? इस पर आप लोग क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। संभल से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।